वेलकम बैक, मैं हूं आलिशर। आप देख रहे हैं नेशनल सिने खबर। कंगना रनौत की छोड़ी हुई फिल्मों ने बना दी इन एक्ट्रेस की किस्मत। जी हां, कंगना रनौत ने अपने दम पर पहचान बनाई है। जिंदगी में उन्होंने कई बार ऐसे फैसले लिए हैं कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब कंगना का करियर खत्म हो गया। एक फैसला इनमें से ये था कि उन्हें जब तक फिल्म में अपना किरदार पसंद नहीं आएगा, वो बड़े से बड़े स्टार की फिल्म भी साइन नहीं करेंगी। हम आपको कंगना के द्वारा रिजेक्ट की गई पांच बड़ी फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने आगे चलकर जमकर कमाई की है और अनुष्का शर्मा, करीना कपूर खान जैसी हीरोइनें की किस्मत खोल दी है। बजरंगी भाईजान, जी हां, अपने सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान का ऑफर सलमान खान ने कंगना को भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे कम स्क्रीन टाइम की वजह से ठुकरा दिया। कंगना नहीं चाहती थी कि वो पूरी फिल्म में थोड़े समय के लिए ही स्क्रीन पर आकर चली जाए। एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार स्टारर एयरलिफ्ट को कंगना ने अपने बिजी शेड्यूल के चलते रिजेक्ट कर दिया था। डर्टी पिक्चर, कंगना रनौत ने इस फिल्म को इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि ये किरदार उनके लायक नहीं है। हालांकि ये फिल्म बाद में विद्या बालन ने की। एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा है कि अगर वो डर्टी पिक्चर कर भी देती तो विद्या जैसी कमाल की एक्टिंग नहीं कर पाती। सुल्तान, कंगना के पास सलमान खान की सुल्तान का ऑफर भी गया था। कंगना को लगा कि सलमान खान की फिल्म में हीरोइनों का किरदार कमज़ोर ही होगा, जिस वजह से उन्होंने ये फिल्म करने से मना कर दिया। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और भी खबरों को जानने के लिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर और Instagram पर, लाइक करें Facebook पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।